दोस्तों आज हम गोमती नदी किनारे जिला जौनपुर में बसा केराकत क्षेत्र के हम गोमतेश्वर महादेव मंदिर पर हैं, जो कि पवित्र धाम के साथ साथ एक पवित्र आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर नदी यू आकार की जो कि बहती है, तो हम यहाँ के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बताते हैं। चलिए, यह मंदिर जो कि हर्षवर्धन काल में बना है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के कुछ अराजक तत्व थे जिनको पसंद नहीं था, उन्होंने वो शिवलिंग हटा के जमीन में कहीं गाड़ दिया। तो उसके बाद ये शिवलिंग 1990 में जाके कुछ ग्रामीणों को जब मिली, तो इस शिवलिंग की स्थापना दोबारा की गई और इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, और जो कि बहुत ही हमारे यहाँ पूजनीय मंदिर है। लोग यहाँ पर अक्सर शिवरात्रि को बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है, और आप देख सकते हैं ये ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जानवर भी सोए हुए हैं। चारों तरफ ठंडा रहता है ना, इसी कारण जानवर भी सोए रहते हैं। और यहाँ पे शाम होने वाली है और हम लोग को लेट भी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इस मंदिर के अगल बगल भी मंदिर है शंकर भगवान का गोमतेश्वर, जो कि नदी किनारे है, इसलिए गोमतेश्वर पवित्र गंगा के स्थान फिर गोमतेश्वर गोमती स्थान पर रखा गया। देख सकते हैं शिवलिंग है जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगती है दर्शन के लिए शिवरात्रि में खास करके, और ये देख सकते हैं वो बगल में और भी दुर्गा माता का मंदिर और भी मंदिर वो है। इस नदी के किनारे बसा बना ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इधर आइएगा कभी तो घूमिएगा ज़रूर, और देख सकते हैं श्री गोमतेश्वर महादेव समिति द्वारा सिहोली केराकत जौनपुर पूरा इस पे लिखा गया डिटेल। और मंदिर की शाम हो गया तो साफ सफाइया हो रही है अब, और देख सकते हैं गोमती नदी यहाँ से कितना आकर्षण का केंद्र लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, वास्तव में बहुत ही अच्छा है मंदिर। तो अब हम उल्टे पांव चलते हैं नदी की तरफ और मंदिर का वीडियो शूट करते हुए देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए पर्यटक स्थल की तरह मंदिर पे पूरा एकदम व्यवस्था है। यहाँ पे बैठने उठने का, यहाँ पर सभी बच्चे आते हैं वीडियो वीडियो बनाने के लिए, अक्सर ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करने के लिए, जैसा कि मैं आया हूँ। और ये देख पा रहे हैं मंदिर कितना शाम के समय कितना आकर्षण का केंद्र मंदिर ये लग रहा है, और अगल बगल बहुत से बच्चे हैं अभी वीडियो शूट उट कर रहे हैं, बाकी इस साइड में नहीं है अभी। और हम नीचे चल रहे हैं सीढ़ियों से नदी की तरफ, और वहाँ नदी को हम दिखाते हैं आप लोगों को नदी कैसे है, और पुल उल भी इसके आसपास है। तो और ये नदी जो है ना मंदिर केराकत में है, जो कि जौनपुर ज़िले से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। तो देख पा रहे हैं कि ये पुल ये नदी ये सब इस यहाँ पे है, कितना अच्छा लग रहा है। यू आकार की यहाँ पे नदी बहती है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से अब हम चलते हैं प्रवेश द्वार की तरफ से, हम वीडियो आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि वो नहीं दिखाए थे। देख सकते हैं प्रवेश द्वार है, कितना अच्छा लग रहा है। गोमतेश्वर महादेव गेट पे लिखा गया है, बाकी आप अंदर अगर हम आते हैं तो देखिए सामने से इस प्रकार मंदिर दिखता है। हमने नदी के किनारे से आपको वीडियो में दिखाया था, और अभी कुछ वर्क हो रहा है मंदिर के आसपास, तो काम यहाँ पे चल रहा है। और देख सकते हैं इधर से सामने से कितना अच्छा लग रहा है, और ये मेरी बाइक है जो कि छोटू को स्टार्ट करने के लिए दिया हूँ आगे बढ़ाने के लिए। अब हम लोग घर की तरफ लौटेंगे, फिर अभी इस साइड से सामने से आप लोग को दिखा दे रहे हैं पूरा मंदिर। यहाँ मंदिर में दो तरफ से सीढ़ियाँ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरे साइड की सीढ़ी है, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और देख पा रहे हैं जो छतरी आकार का एक साइड है, एक साइड अभी बर रहा है क्योंकि वो उस साइड बना था, इस साइड नहीं था, तो उसको आकर्षित करने के लिए बर रहा है। और ये बनारस से 45 किलोमीटर दूर उत्तर में